अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सफ़र है वो लस्सा ठकराल से होते हुए आगे नेचा और बेरी की तरफ है। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत गांव, छोटे छोटे गांव इसके दरमियान आ जाते हैं। लस्सा ठकराल का गांव, फिर नेचा, फिर बेरी, बहुत ही ख़ूबसूरत जगह। चले आए हमारे साथ मिल के एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं पंजाब चौक मानसेरा से। जैसा कि आप देख सकते हैं पंजाब चौक मानसेरा से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे अगर हम अब्टबाद वाली साइड से आ रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादातर शॉप्स वगैरह बंद हैं और रोशनी भी कम है, जिसकी वजह से वो खूबसूरती निखर के बाहर नहीं आ रही। आगे जैसे हम जाएंगे सूरज निकलेगा बाहर। और सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना ताकि मज़ीद हम इस तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं, आपको अपडेट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप अपने किसी भी गांव की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर विज़िट करेंगे और आपके इलाके की खूबसूरती लोगों को दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम गुज़र रहे हैं चकड़ियाली से, ये पंजाब चौक से 1 किलोमीटर अंदर चकड़ियाली का मकाम। और जैसे जैसे हम गुज़रते जाएंगे जिस जिस इलाके से साथ साथ आपको बताते जाएंगे। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, एक थाथी गांव आता है बीच में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलें साथ साथ आपको दिखाते जाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं शैलिया के मकाम पे, ये आप देख सकते हैं शैलिया का गांव। शैलिया जैसे ही हमने क्रॉस किया तो आगे हमें एक चौक मिलता है। एक लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है वो खवाड़ी की तरफ जा रहा है, खवाड़ी मंगलूर की तरफ। इसके लिए हम अलग-अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं लस्सा ठकराल की तरफ, तो हमें बिल्कुल सीधा जाना है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम गुजर रहे हैं बलाक से, इस गांव का नाम बलाक है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे एक रास्ता मोड़ता है जो ऊपर मोड़ बफा जा रहा है। मोड़ बफा एक गांव है, प्यारा सा गांव है। हम लोग तकरीबन लस्सा ठकराल की हदूद में दाखिल हो चुके हैं, ये लस्सा ठकराल का गांव शुरू हो चुका है। हम आगे जाके आपको लस्सा ठकराल का बाज़ार भी साथ साथ दिखाते हैं और बाकी खूबसूरती भी दिखाते हैं। ये देखिएगा, लस्सा ठकराल स्टार्ट हो चुका। ये लस्सा ठकराल का बाज़ार स्टार्ट हो चुका। और मज़े की बात आपको बताता चलूँ, ये वाहिद ऐसा गांव है साइड एरिया पे जहां पे नेशनल बैंक की
सहूलत भी मौजूद है, यहाँ पे नेशनल बैंक भी है। आगे बहुत मज़े मज़े की जगह आती हैं, बहुत मज़े मज़े की ग्रीनरी भी आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको पाकिस्तान की खूबसूरती पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हम मज़ीद अपने पाकिस्तान की खूबसूरती लोगों को दिखा सकें। जैसे लहसन ठकराल का गांव ख़त्म हो जाता है तो आप देख सकते हैं ये एक प्यारी सी जगह आ रही है, जहां ये आप नीचे गांव देख सकते हैं, चिकड़बाइयाँ का गांव है, इसके लिए अलहदा से एक सड़क जाती है, बहुत ही प्यारा गांव है। और ये हम टॉप पे हैं, इधर से आपको दिखा रहे हैं नीचे चिकड़बाइयाँ का गाँव। ये लहसन ठकराल क्रॉस करके आता है और ये एक रास्ता आगे चमट्टी की तरफ जा रहा है। चूंकि हमें नीचे की तरफ जाना है, हमें आगे नेचा बेरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें लेफ़्ट मुड़ना होगा। ये हमने लेफ़्ट टर्न लिया, यहाँ से रास्ता कहीं से ठीक है, कहीं से उसके अंदर खड्डे वगैरह ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ की खूबसूरती जो है वो आपको दिखाना ज़रूरी थी। और ये देख लें, ये थाती अहमद ख़ान का गांव है, यहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। प्यारा गांव है ये थाती अहमद ख़ान का। ये गांव मैं आपको दूसरी साइड से भी जाके दिखाता हूँ। ये सड़क आगे जाती है और इस गांव को जो है सामने से दिखाती है, पहाड़ी के उस साइड से होकर गुजरती है, जिससे ये गांव जो है आपको सामने बिल्कुल नज़र आता है। वो भी हम वहाँ से भी आपको दिखाते हैं ये गांव। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीनरी हमें नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं सामने थाती अहमद ख़ान का गांव। हम वहां से गुज़र के आए हैं, अभी हम पहाड़ की उस साइड पे आए हैं जो कि पहाड़ बिल्कुल सामने इस गांव के। सुबह सुबह का माहौल और सूरज अभी आ रहा है, अभी सूरज तुलू हो रहा है। और मैं आपको बताता चलूं, ये रास्ता आगे नेचा बेरी क्रॉस करके शरवान की तरफ भी जाता है, शरवान इब्टाबाद वाला, और हम लोग जाएंगे नेचा बेरी की तरफ। देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं। फिलहाल हमारे पास कुछ सामान भी है जो नीचे हमें बेरी तक पहुंचाना है, वहां पे कोई फ्लाई काम हो रहा है, उसके लिए हम लेके जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है इस रास्ते में, लेकिन खूबसूरती तो है इस इलाके की। ये आप देख सकते हैं, हम इस रास्ते से गुजर के आए हैं ये चढ़ाई से। बहुत ही पुरसकून माहौल है, बहुत ही खामोशी,
ये थाती अहमद ख़ान का गांव क्रॉस करके आगे शरवान वाले रास्ते पे ये आता है और यहाँ ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई बंदा नहीं है और पुरामन इलाके है। सबसे बड़े मज़े की बात यह है कि आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। चलें आगे सफ़र का स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको मज़ीद ग्रीनरी दिखाते हैं। ऑफ रोडिंग का अपना ही एक मज़ा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है सड़क पे। कभी कभी ऐसी सड़कों पे भी सफ़र कर लेना चाहिए, मज़ा आता है, ऑफ रोडिंग कर लेनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, हम सामने से गुजर के आए हैं। कैसा लग रहा है आपको अपना पाकिस्तान? यकीनन आपको अपने पाकिस्तान की खूबसूरती पसंद आ रही होगी। हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम आपके ज़रिए, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, तो पाकिस्तान की खूबसूरती लोगों तक पहुँचती है और हमारा हौसला बढ़ जाता है, हम मज़ीद पाकिस्तान की खूबसूरती लोगों को दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं क्या प्यारा सीन है। बहुत ही खूबसूरत मंजर, कहीं कहीं हमने जो है इसके ऊपर कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं लगाया इस वीडियो पर, ताकि आप नेचुरल साउंड सुन सकें, नेचुरल की जो आवाज़ है उसे महसूस कर सकें। ये आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बकरियाँ जो है वो चर रही हैं, चरवाहा अपनी बकरियाँ चरवा रहे हैं यहाँ पे। बहुत देर के बाद हमें कुछ हलचल मिली है, रास्ते में तो बहुत खामोशी थी। जब भी ऐसे रास्ते पे आएं तो अपनी ब्रेक ज़रूर चेक करके आया करें, ब्रेक आयल ब्रेक, बाकी जो है एंजॉय करें। सारी ज़िंदगी मोटरवे पे सफ़र करते हैं, कभी कभी ऐसे रास्तों पे आया करें। यह भी एक एंजॉयमेंट का हिस्सा है। अगर आप बाहर के मुल्कों में चले जाएं तो वो लोग ख़ास तौर पर जंगलों में 4x4 गाड़ियां लेके जाते हैं और पहाड़ों पे चढ़ाते हैं इससे तफरी समझ के और एंजॉय करते हैं। ये आप देख सकते हैं नेचा का गांव, अभी हम गुजर रहे हैं नेचा के गांव से और हमें सामने जाना है आपको नीचे
थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा नीचे एक गांव है बेरी नाम का, वहां तक हमें जाना है और कोशिश करेंगे हम शरवान की तरफ जाएं, कोशिश करेंगे। वहां तक हमें ये सामान कुछ डिलीवर करना है, वहां पे एक फ्लाई काम हो रहा है। मानसेरा से लसणा ठकराल का जो सफ़र बनता है वो तकरीबन 14 किलोमीटर बनता है, और बात करें यहाँ नेचा और बेरी की तो ये सफ़र तकरीबन बनता है 25 किलोमीटर टोटल। 10 किलोमीटर आगे लसणा ठकराल से आगे है, लेकिन रास्ता जो है वो कच्चा होने की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन रास्ते की खूबसूरती इतनी है कि रास्ते का पता ही नहीं चलता, जैसा कि आप देख सकेंगे वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, ये बेरी का मकाम है। नेचांग के बाद हम पहले आए थे पंजाब चौक मानसेरा से, फिर लसणा ठकराल, फिर उसके बाद थाती अहमद ख़ान, उसके बाद नेचांग, उसके बाद बेरी। लेकिन इसके बाद हम शरवान की तरफ अगर जाते हैं तो फिर भी हमें वीडियो यहाँ पर स्टॉप करना होगा, नेक्स्ट पार्ट बनाएँगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। उसके दो फ़ायदे होंगे, अगर हम नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, और दूसरा फ़ायदा ये कि हम पाकिस्तान की खूबसूरती को मज़ीद प्रमोट करेंगे और मज़ीद मज़े मज़े की वीडियो बनाएंगे।